हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? अभी विकास का बहुत मन था आलू की टिक्की खाने का, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए, तो विकास ने बोला नहीं मुझे अभी खाना है। तो यहाँ बाय चांस सब कुछ इजीली अवेलेबल है, यहाँ नीचे शॉप है। तो मैं आलू की टिक्की ले आई थी, इमली ले आई थी, इमली की चटनी और हरी चटनी जो इसमें पड़ती है, क्योंकि अभी वो चल रहा है नवरात्र, तो प्याज नहीं यूज़ करते हम। तो ये विकास के लिए आलू की टिक्की बनाई थी। और विकास का क्या है कि ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बना लें, बहुत अच्छे से फ्राई होनी चाहिए, एकदम क्रिस्प। और यहाँ पे अभी वो टेस्ट उतने जल्दी मिलता नहीं है, तो मैंने कहा अब ठीक है चलो, है ना, अकेले मतलब क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो जो जिसको पसंद होता है फिर वही बना देती हूँ। तो इसको बहुत डीप ब्राउन किया था मैंने, और मुझे जाना था पूजा में, तो मैंने फटाफट विकास के लिए बनाया खाना। और बहुत टाइम के बाद मेरा मन हुआ था कि मैं तैयार होके जाऊं। मुझे मतलब सबको सब भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझसे किसी ने आज से 20 साल पहले बोला था कि गीतांजलि देखो, तुम अब हर भगवान के पास जाके अपनी शिकायत बोलोगी, जैसे गणेश जी के पास या हनुमान जी के पास या दुर्गा जी के पास, सबके पास अपनी शिकायत बोलोगी तो शायद तुम्हारी चीज़ें उतनी नहीं सुनी जाएंगी। तो तुम एक भगवान को अपना ईष्ट बनाओ और उनसे ही अपनी सारी परेशानियाँ सुख दुख सब बांटो। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मतलब एक होता है कि एक अंदर से फीलिंग आई थी, और शादी से पहले भी मैं दुर्गा माँ को बहुत मानती थी। मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ, ये मेरा एक जिसे कहते हैं वीक पॉइंट है। इससे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रखना नहीं चाहती, मैं रख नहीं पाती हूँ। तो तब से लेकर अभी तक मतलब मेरा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भगवान के लिए मेरी श्रद्धा कम है, पर दुर्गा जी के लिए एक अलग ही एक स्पेशल फीलिंग है। मतलब बहुत टच लगता है कि बचपन से आप जैसे ना जिनको पूछते आ रहे हो या जिनको मानते हो। मैं ग्रेजुएशन में थी तब से मैं मतलब इनकी पूजा कर रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था, किसी पंडित ने ही बताया था। तो कल मैं तैयार होके गई थी, और बहुत टाइम के बाद मतलब वो एक फीलिंग आई थी कि हाँ, जैसे मैं पंचकुला चंडीगढ़ में थी, डांस वांस होता था, तो यहाँ भजन हो रहे थे और मैं और संगीता बैठे थे। तो संगीता बहुत सोबर है, वो डांस वांस नहीं करती है। पता नहीं इनको देख के मेरे मन में एकदम अलग ही आया, वो वीडियोज़ नहीं आ पाए, तो बस ऐसे ही। और आज हमें जाना था सुबह, यहाँ पर भंडारा था, तो मैं सोच रही थी कि कपड़े आयरन कर लूँ। ठीक है, तो आयरन मतलब ये होता है ना कि कॉटन के कपड़े बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं, तो मैंने कहा आयरन करके पहन के जाओ तो अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्मार्टली बना के जाते हो, प्रेजेंटेबल भी लगते हो, अच्छे भी लगते हो। तो खैर, मेरा ये शौक़ है, मैं अपने कपड़ों को कभी वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोती हूँ, और किसी मतलब रफ़ हैंडल बिल्कुल भी नहीं करती अपने कपड़ों को। तो मुझे पहनने का भी बड़ा अच्छा शौक है इस तरीके का, कि मतलब मैं अच्छी लगूं, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊं, और बस ऐसे ही इसीलिए मैं कपड़े आयरन करी थी अपने लिए। आज मुझे जाना है पूजा में, मैं सोच रही हूँ ये लाइट सूट पहनूं, बहुत गर्मी हो रही है, पर ये इसको ज़्यादा लाइट हो रहा है, और ये बहुत कॉमन सूट हो गया, मैंने बहुत लोगों को पहने देख लिया है। तो एक तो ये ऑप्शन रखा है, एक ये ऑप्शन रखा है, ये दोनों ही हल्के सूट्स हैं, तो गर्मियों में पहने जा सकते हैं। तो देखती हूँ क्या पहनती हूँ, है ना। कल रात में तो बड़ा मतलब अच्छा लगा था, कंफर्टेबल सूट था। ये है यहाँ पे दिन का टेम्परेचर, इतना ज़्यादा है यहाँ पे। मैं खिड़की के पास खड़ी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम हवा का, गर्म हवा का झोंका जैसा आ रहा है, इतना गर्म है यहाँ पे। फ्रेंड्स बताना ये सूट कैसा लग रहा है। मैंने ये सूट चॉइस किया है, वाइट वाला थोड़ा लाइट हो रहा था, और दूसरा वाला नया सूट था, तो मैंने कहा कभी कोई ओकेजन होगा या गेट टुगेदर होगा तो पहनूंगी। और ये काफ़ी हल्का भी है और थोड़ा डार्क कलर है, डार्क कलर लोगों को अच्छे लगते हैं, तो विकास मेरे को बोलते भी हैं कि थोड़ा डार्क कलर पहना करो, ब्राइट शेड्स पहना करो, और इंडिगो थोड़ा है ना कि फैशन में भी हमेशा रहता है, तो मैंने इंडिगो ही चूज़ किया। तो मैं कुछ कुछ में बड़ी पतली लगती हूँ, कुछ कुछ वीडियोस में बड़ी मोटी लगती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मोटी हुई या पतली हुई। वेट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वेइंग स्केल मैंने बिल्कुल साइड रखी है, कोई वर्कआउट नहीं हो सक पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जस्ट वॉकिंग होती है, वर्कआउट कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसे ही है। और मैं पूरा सूट नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि
यहाँ इतनी ही रेंज है, ये जो ये अलमारी है इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद मैं इतना इससे ज्यादा दूर जा ही नहीं सकती, है ना। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। और एक चीज़ और, बिग बॉस शुरू हो गया है। बहुत लोगों को बहुत ख़राब लगता है पर मुझे अच्छा लगता है। मैंने OTT भी देखा था, ये भी देखा है, बहुत अच्छा टाइम पास मुझे लगता है। आई नो बहुत लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ कि उनको नहीं अच्छा लगता है तो मैं, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे पर्सनली, मैं सीज़न 1 से देख रही हूँ, मुझे सारे सीजन इसके मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे और मुझे अच्छा लगता है। मेरी दोस्त अभी थोड़ा टाइम लगाएगी, और पीछे जो डिब्बे दिख रहे हैं इसमें मेरे इयररिंग्स हैं, बैंगल्स हैं ना, तो वो कल मैंने ढूंढ के निकाले थे और इसे सही जगह पे रखना है सिस्टमेटिकली। सब ऐसे ही रख दिया था, तो जब निकालना होता है तो ऐसे निकाल के आप रख देते हो, पर क्या है अब शिफ्ट हो गए हैं और अब टाइम भी है तो बस। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब थोड़े प्रोडक्ट अपने चेंज कर रही हूँ। तो ये है बायो एसेंस का गोल्डन रेशियो डबल सीरम, ये एंटीऑक्सीडेंट है, और लेट्स सी कैसा काम करता है ना। और ये है परफ्यूम, इसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने एक बार यूज़ भी किया है। और ये है नाइट मॉइस्चराइजर क्रीम, नाइट क्रीम बहुत ज़रूरी होती है, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर यूज़ किया करिए। और यार अब वो एंटीऑक्सीडेंट बोल करके तो क्या है, होता है, बट अच्छी क्रीम होगी आई होप। और मुझे नाइट क्रीम की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने किसी से सजेशन लिया था, तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी है बायो एसेंस की, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ। और ये है क्या है भाई, ये जेल है, तो ये मैंने लिया है बायोसेंस का जेल, विटामिन B5 का है। तो होपफुली ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही ब्रांड के लिए हैं। कब आप कभी भी कोई चीज़ स्विच करते हो ना, तो एक ही ब्रांड पे जाइए, ये नहीं कि आप डे क्रीम कोई और लगा रहे हो, नाइट क्रीम कोई और लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक ही ब्रांड लगाइए, और जिस पर भी आपको लगे फेथ है। और क्या होता है जब आप 40 क्रॉस करने लगते हो ना, तो आपको इस अपनी स्किन के लिए थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मतलब कह दे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, कई जगह पे मेंशन भी होता है पर वो होते नहीं हैं। तो आप ब्रांड्स का बहुत स्पेशल ख्याल रखिए, इन चीज़ों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कि सस्ता है कोई, मतलब आप बाकी चीज़ों में आप फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, पर आप हेल्थ और स्किन के केस में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अपनी हेल्थ के लिए और अपनी स्किन के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें यूज़ करिए, और अच्छा खाएंगे तो आपको ये है, हो सकता है कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े इन चीज़ों की, पर फिर भी 40 के बाद मुझे लगता है कि चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो बस, और ये जो है चीज़ें हैं ये यंग एज के लिए भी है। यंग एज में आपको लगता है कि आजकल इतने कॉस्मेटिक्स आ गए हैं कि हर बच्चा, हर लड़की जो है ट्राई करती है, इवन अब तो लड़के भी ट्राई करते हैं कि ये ब्रांड ले लें, ये ब्रांड ले लें, है ना। उनका इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता है कि लोगों को लगता है कि यही सबसे अच्छा है। जैसे हमारे समय एक क्रीम आती थी जो बोलते थे फेयरनेस क्रीम है, गोरी हो जाएगी, है ना। पर मैंने भी अपनी शादी में ली थी वो क्रीम, वो एज इट इज़ पड़ी रही, उसको लगाने के बाद ऐसा लगता था कि आपके फेस पे ना कोई लेयर जैसी है। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, मैंने हार्डली एक या वंस और ट्वाइस यूज़ किया होगा। तो वही मैं कहती हूँ, लड़कियों को खास तौर से अपनी स्किन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर वो टाइम तो आपकी स्किन ऐसी होती है कि आपको सब कुछ सूट कर जाता है, जैसे होता है ना यंग एज में आपको हर चीज़ खा, जो भी खाओ डाइजेस्ट हो जाता है, तो यंग एज में वही स्किन के मामले में भी होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कि आपके जो कोलेजन है या जो आपकी स्किन है उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है, वो उस समय आपका मेंशन नहीं होता है, बाद में पता लगता है। तो क्या है कि फिर जब आप 40s में आते हो तब तक आपकी स्किन पूरी तरह से ना खराब हो चुकी होती है। तो हालांकि मैंने तो एक ही क्रीम हमेशा यूज़ की है, दैट इज़ ओले। तो इस बार मैं ओले से इस वाली क्रीम में आई हूँ, बट ओले ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल स्विच ऑफ कर दी है, बस ये है कि मैंने एक बार जस्ट एक ट्रायल के लिए लिया है, अगर अच्छा लगे तो इस पे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो ओले तो है ही है ना।
तो होता है सबका एक स्किन टेक्सचर होता है, किसको क्या सूट करता है, तो मुझे ओले सूट करता है तो मैं ओले यूज़ करती हूँ। बट अभी मैंने ये शुरू करूँगी, मेरा ओले ख़त्म हो चुका है, पूरा सीरम, नाइट क्रीम, डे क्रीम सब ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अब बायोसेंस की तरफ जाऊँगी। देखते हैं अगर सूट करता है, फिंगर क्रॉस। मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लेती हूँ, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेती हूँ तो मैं फिंगर क्रॉस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हर चीज़ मुझे सूट नहीं करती है। तो इवन मुझे अगर मैं लिपस्टिक भी लगाती हूँ तो अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें स्मेल होती है ना तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। परफ्यूम्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही रेयर्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सर दर्द और ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। तो खैर इसके लिए मैं फिंगर्स क्रॉस करूंगी, क्योंकि पैसा जाता है मुझे कोई इतना नहीं लगता है, लेकिन स्किन खराब हो जाएगी ना तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी। वो उसके लिए मैं देख चुकी हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागते भागते आप थक जाओगे ना। और इनकी क्रीम्स भी इतनी ज़्यादा महंगी होती है ना, और क्या करते हैं ये हर हफ्ते अपनी क्रीम चेंज करते हैं, आज ये तो वो ट्यूब खत्म होता है नहीं होता है, उनको क्या प्रॉब्लम है भाई, उनको तो अपना बिजनेस चलाना है ना। तो अपनी स्किन का आप शुरू से ही ध्यान रखिए। तो बस अब मेरे ख्याल से वो तैयार हो गई होगी, तो निकलती हूँ। हम लोगों को सभी को लंगर ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले खाना खाते हो तो अलग बात होती है, लेकिन जब सब सामूहिक खाते हो ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ऐसे बैठ के खाना सबके साथ तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया और ये मेरा दूसरा लंगर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये डबल बीन्स देखी और ये भी मुझे बहुत नई लगी। आप लोग बताना इसे कैसे कुक करते हैं। और ये मसूर दाल का पाउडर था, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। थी मैं वहाँ, लंगर लगा हुआ था, यहाँ पे सेकेंड लंगर था, और यहाँ लोग बहुत अच्छा मानते हैं पूजा का खाना खाना, मतलब बहुत पुण्य की बात होती है। जैसे पंजाब में होता था ना लंगर लगता था, तो वहाँ पे लोग मतलब कार से उतर के लोग बैठ के खाते थे, वैसा ही यहाँ पे भी है। तो लंगर खाना मतलब आप प्रसाद खा रहे हो। तो मेरा यहाँ पे दूसरा है, मैंने अभी और गणेश चतुर्थी में खाया था, गणेश जी का जो पूजा हुई थी उसमें भी लंगर लगा था, और इस बार आज लगा था, तो आज भी खा के आए, बहुत मज़ा आया। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।